दोस्तों बिहटा बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। यह पटना का एक उपनगर भी है। बिहटा दानापुर अनुमंडल के पटना जिले का एक छोटा सा शहर है, जिसे ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। बिहटा मनेर विधानसभा क्षेत्र और पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह पटना के 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों बिहटा में जमीन खरीदने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की तेजी से होती विकास यानी कि डेवलपमेंट। ब्यादा के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण और तेजी से बढ़ती एजुकेशन संस्थाने तथा इंडस्ट्रियल हब। दोस्तों बिहटा के अंदर या बिहटा के करीब कुल 28 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो कि बियादा के साइट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें 8 प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं और दिन प्रतिदिन सरकार के द्वारा नए नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट यानी कि घोषणाएं होती रहती हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान भी बिहटा के प्रति बढ़ता जा रहा है। कुछ न्यूज में छपे कोटेशंस भी इस एरिया को बेहतर बना देते हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान और बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं न्यूज के कोटेशंस और समझते हैं चीजों को। दोस्तों आज के दिनों में सैकड़ों कंपनियां बिहटा या बिहटा के करीब अपनी टाउनशिप डेवलप कर रही हैं, जिसके कारण जमीन तेजी से खरीदे जा रहे हैं। सुविधाओं से लैस ये टाउनशिप और सरकार के द्वारा लाए जा रहे प्रोजेक्ट्स जब आ जाएंगी तो बिहटा काफ़ी एडवांस और खूबसूरत दिखने लगेंगे। हालांकि इसमें अभी टाइम है, पर आने वाले 5 से 10 सालों में बिहटा की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो जाएंगी, ये हम नहीं बल्कि पेपर में छपे कोटेशंस कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ पुराने और कुछ नए कोटेशंस। ये सारे पुराने कोटेशंस थे। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल में छपे कुछ कोटेशंस मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद पाटली बस स्टैंड का अनाउंसमेंट होना और IIM जैसे बड़े संस्थान के सैटेलाइट कैंपस की घोषणा होना अपने आप में बिहटा के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी कंपनीज या इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में रोजगार के कई मिसाल पेश करेंगे। आज अगर एम्स की बात करें तो एम्स के पास की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, करोड़ों में ज़मीनें बिकती हैं, जबकि एम्स आने से पहले वहां की ज़मीनें औने पौने दाम में बिका करती थी और लोकेशन भी कुछ खास नहीं हुआ करता था। पर एम्स आने की वजह से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और एरिया भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं। अब आसपास की ज़मीनों की रेंज करोड़ों में हो चुकी है। उसी तरह अगर आप पटना के सगुना मोड़ से दानापुर के बीच के इलाके को देखेंगे, लोग कभी नहीं सोचते थे कि ये एरिया इस तरीके से डेवलप होगा। आज पटना में सबसे अच्छी और चौड़ी जगह यहीं दिखेंगी, यानी सगुना मोड़ से दानापुर के बीच की एरिया काफ़ी डेवलप हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। वहाँ पे सैकड़ों इन्वेस्टर अपनी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मॉल, इंस्टीट्यूशन, मैरिज हॉल इत्यादि बना चुके हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप की जा रही है, जिसके कारण दानापुर तक की ज़मीनें करोड़ों में हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में बिहटा रोजगार का और एजुकेशन का सबसे बड़ा हब होने वाला है, जिसे लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। कारण यह है कि आज
बिहटा की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं और आने वाले समय में और भी महंगी होती जाएंगी। बिहटा में IIT से लेकर उसी रोड में कनपा पतु तक ब्याडा की काफ़ी ज़मीनें हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे BSF की हेडक्वार्टर, डिफेंस कॉलोनी इत्यादि बनाए जा रहे हैं। इसी एरिया में न्यू एरा पब्लिक स्कूल, पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल इत्यादि देखने को मिल जाएंगे। DFE जैसी बड़ी स्कूलों की प्रोजेक्ट्स भी इस एरिया में आपको मिल जाएंगे। तो आने वाले समय में IIT से लेकर कनपा पतु तक की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि बिहटा में सस्ती और बड़ी ज़मीनें इधर की साइड ही बची हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स भी इधर ही आ रही हैं और काफ़ी मात्रा में टाउनशिप की प्रोजेक्ट्स भी यहाँ बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस इलाके में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर आपको रिटर्न मिल जाएंगे, यानी आने वाले समय में आपके रिटर्न बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आप इस एरिया में यानी कि ग्रेटर पटना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मजकूत सालों में अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, यानी आपके इन्वेस्टमेंट दुगनी, तिगनी या चार गुनी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, इंस्टीट्यूशन भी आने वाले हैं या फिर इंडस्ट्रियल हब भी होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द करें और इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो देर ना करें, सोचने में टाइम ना लगाएं, आप इन्वेस्ट कर दें, आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न रियल एस्टेट में मिल जाएंगे, यानी ज़मीनों में मिल जाएंगे। वैसे भी ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने पे बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाते हैं। तो ऐसी ज़मीनों में इन्वेस्ट करें जो सस्ती हो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न दे सके। तो मैं आने वाले समय बताऊंगा कि कैसी ज़मीनें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न दे सकती हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।